और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं प्रदेश भाजपा की वर्चुअल रैली में, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करते हुए उन सभी शहीदों को, और राजस्थान में भी पिछले एक महीने में चार हमारे नौजवान देश की रक्षा करते करते शहीद हुए, उन सबको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से। और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके परिवारों को, कि आपका ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और साथ ही साथ उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, क्योंकि वह सिर्फ परिवार के सपूत नहीं थे, वह देश के सपूत थे, सारा देश उनके साथ खड़ा है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम कोरोना वायरस के साए में आज ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, और इसलिए जिन लोगों ने कोरोना वायरस के कारण जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो इस बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको ईश्वर जल्द ठीक करे और वह स्वस्थ लाभ लेते हुए पुनः अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में, काम में जुटे, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज जब हम इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की भूमि, जो वीरता की भूमि है, त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, उसको मैं अपनी ओर से और यहां मंच पर बैठे सभी लोगों की तरफ से नमन करता हूं, और उससे ऊर्जा लेकर के आपसे चर्चा में भाग लेने के लिए भाग लेता हूं। मित्रों, ये वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आप सबसे मिले हैं। जब कोरोना का साया दुनिया पर छाया और लॉकडाउन हुआ, तो एक परिस्थिति आई कि क्या पार्टी भी लॉकडाउन हो जाएगी। एक परिस्थिति भी आई कि हम काम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे साथियों ने और हम सब लोगों ने मिलकर इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी को एक्टिवेट किया, गैल्वनाइज किया। नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने आप की शिरकत की, अपने आप को जोड़ा, और मैं आज ये बड़े संतोष के साथ और खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि जब दुनिया को भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कार्यक्षेत्र में आवश्यकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लॉकडाउन की अवस्था में दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा में जुटा। हमारे कार्यकर्ता को साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। मैं छोटी घटना इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमें भी कहीं कोई त्रासदी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो हम वहां सेवा कार्य करते थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतने लंबे समय तक और इतनी बड़ी संख्या में सेवा कार्य करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने आप में यह पहला तजुर्बा था। और मैं कहूंगा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम में जुटा। मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। आप ध्यान में लीजिए, इस लॉकडाउन की अवस्था में 8 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हर दिन काम में जुटे। इस लॉकडाउन की अवस्था में 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंद तक पहुंचाए, लगभग 5 करोड़ राशन किट मोदी किट के नाम से, और वह भी मोदी किट 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं, लगभग 5 करोड़ लोगों को फेस मास्क पहुंचाया। मैं महिला मोर्चा को, महिला मंडल को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और एनजीओस को बधाई देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के नेतृत्व में 5 करोड़ लोगों को मास्क पहुंचाने का काम किया है। इस तीव्र गति से काम करने के साथ साथ अब बारी आई
कि हम पार्टी की तरफ से मोदी जी की ये पहली वर्षगांठ दूसरे काल की मोदी टू की हम जनता तक आत्मनिर्भर भारत का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भी वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया और वर्चुअल रैली के माध्यम से आज ये 23वीं वर्चुअल रैली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस समय भी किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं तो ये समझता हूं, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इन्वेंशन जो होता है वो हमेशा एक नया रूप लेकर के आता है। कभी आपने सोचा था कि हम अगर रैली करेंगे जो हम रैली किया करते थे तो उसके जुड़ने की संख्या 33 लाख होगी, 34 लाख होगी, 1 करोड़ होगी। लेकिन आज जब हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो हम लगभग 50 लाख 40 लाख लोगों से जुड़ रहे हैं। यह वर्चुअल रैली की ताकत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं बैठा बैठा खुश हो रहा था एक बात को ध्यान में लेकर कि कहां रैली से मैंने देखना था कि कहां बैठे हैं पब्बा राम विश्नोई जी, कहां बैठे हैं कसाबा जी, और कहां बैठे हैं हमारे वैष्णोदेव देवनानी जी, और कहां बैठे हैं हमारे नरवत सिंह राजवीर जी, और कहां बैठे हैं हमारे अपने सतवीर सतीश जी, हमारे राजेंद्र गहलोत जी। आपको बधाई देता हूं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।